देखो ऐसे करने पे अभी थोड़ी बारिश बंद हो गई लेकिन इन पत्तों पे पानी तो है। टेबल्स भी लगे हुए हैं। वाओ ये देखिए कितना डीप दिख रहा है, ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, स्वर्ग, हरियाली, हरियाली का ये स्वर्ग है। आप आइए और देखिए आप लोग भी, ये बारिश में तो ना पूछो और भी मजा आ जाएगा। कुछ एडवेंचर सा, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है तो आप लोग जरूर आइए यहाँ पे। ब्यूटीफुल, आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है। रियली मतलब मेरी अभी शिमला वाली मेमोरीज पूरी रिफ्रेश हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पे टी स्टॉल जैसा, मतलब छोटी सी दुकान है। मैं कैसे अटकते फंसते रुकते चल रही हूँ, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि मैं उसको बार बार बोल रही हूँ तुम थोड़ा मेरे पास रहो पास रहो, पर वो भागे जा रही है। क्या करें, उसको भी चलना है ना, लेकिन संभल संभल के। हाय 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 हाय, यहाँ तो रुकी, यहीं पर रुकी, यहीं पर रुकी। तो अब मैं छतरी को बंद कर देती हूँ क्योंकि मन हो रहा है थोड़ा रिमझिम रिमझिम फुहारे ऊपर पड़े और आ हा 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 अच्छा लगे। वाओ वाओ, कितने चक्कर में घूम लूंगी फिर भी कब नहीं होगा। ओ माय गॉड, देखिए जो ऊपर माँ की ऊंचाई पे वो चोटी दिख रही थी, माँ का स्थान दिख रहा था, माँ का शिखर दिख रहा था, माँ का वहाँ पे ध्वजा दिख रहा था, माँ का त्रिशूल दिख रहा था। अभी सब कुछ माँ ने पूरा धुंध में पूरे बादल में ढक दिया, बादल की चादर से उसको ढक दिया। ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, देखा। यू आर लकी कि मैंने पहले आप लोगों को दिखा दिया था। आई एम ऑल्सो लकी क्योंकि मैंने पहले देख लिया था। चलो हम दोनों ने देख लिया, आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। वाओ रियली बहुत अच्छा लगा। अभी पंडित जी से बात हुई, पंडित जी ने बोला यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो डेफिनेटली आऊँगी फिर से, और मैंने उनको बोला मैं प्रॉपर माइक और कैमरे के साथ आऊँगी तो मैं शूट करूँगी वो इवेंट, आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। तो आप लोग देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखना। ओके चलिए आगे। जगह नहीं ले सकती। ऐसे कौन डर के बैठता है। भागो, चलो तुम जाओ पहले। सही में मतलब बैठने के पहले भी मैं देख ले रही हूँ आसपास में है तो नहीं, अरे बहुत सारे थे और ऐसे झुंड बना के ऐसे दौड़ के और ऐसे हूं कर रहे थे, डर लग गया। अभी भी थोड़ी आहट हो रही है, लग रहा है पीछे पीछे आ रहे हैं और पकड़ के लटक जाएंगे, ऐसा डरा दिया कि लग रहा आके बस मारने लगेंगे। बाप रे, ये सब दुकानें बंद हैं। ये देखो ये बांस के पेड़ हैं।
लेकिन इन पत्तों पे पानी तो है। बचपना, बच्चे जैसी हरकत करके अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। मेरा मन हो रहा है अभी, आजकल ना कुछ दिन पहले ही मैंने, थोड़े दिन पहले कुछ मैंने कैंप्स के वीडियो देखे, तो मेरा मन इतना हो रहा है ना कि ऐसे जंगल में एक कैंप ले लूँ, मैं भी एक टेंट अपना ले लूँ और कैंपिंग करूँ। कैसा रहेगा आइडिया, कैसा है मेरा कैंपिंग करने का, आप लोग कमेंट में बोलना। ये आइडिया भी आया हुआ है, सिर्फ मैं अकेली, अगर मैं वहाँ पे रुकूँ और रुकने के बाद आगे भी रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। छोटे स्टेप्स थे। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बोल रही थी कि अगर मैं टेंट लेके और कैंपिंग करूँ तो आप क्या कहते हैं, कैसा रहेगा। बहुत एडवेंचरस होगा मेरे लिए और बहुत सारे एडवेंचर भी मिलेंगे, तो कमेंट में लिखना कि ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि अगर ऐसा किया जाए कुछ। डर भी तो लगेगा क्योंकि जंगल में आप अकेले इस तरीके से कैंपिंग करो, एडवेंचर तो बहुत होगा, मतलब लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए सोच रही हूँ, सोचने में क्या जाता है, सोचने में कुछ जाता है, सोचने में तो कुछ नहीं जाता, तो इसलिए जस्ट एक थॉट आया, आप लोगों से शेयर किया। तो आप लोग ज़रूर बताना कि अगर ऐसा कुछ करूँ तो कैसा लगेगा, मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा है इसलिए मैंने शेयर किया। वाह, अच्छा लग रहा है, नाइस एक्सपीरियंस। मैं आऊँगी, फिर आऊँगी यहाँ पे और प्रॉपर फिर शूट करूँगी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे। और उस दिन जब आऊँगी तो बहुत डिटेल में दिखाऊँगी सारी चीज़ें। पहला एक्सपीरियंस था बट मस्त एक्सपीरियंस था, ऑसम एक्सपीरियंस था, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। वो तो देख के मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा, इसलिए मैंने जाते समय वीडियो बनाया, आते समय भी बना रही हूँ। देखो सब कितने फास्ट फास्ट उतर के जा रहे हैं, चढ़ते समय इतने फास्ट नहीं चल पाते। लेकिन ऐसे दौड़ के जाना रिस्की है, आराम से जाओ।